बढ़िया साहब, आपने सब ठीक से चेक कर लिया है ना? बस जी, सब ओके हो गया है, सिर्फ लाइन चालू करनी है। ओए टिटू, लाइन ऑन कर। ये हुई ना बात भाटिया जी, अब ढंग की रौनक लग रही है भाई। अब लग रहा है ना घर शादी वाला है। क्यों माधव, क्या कहते हो, इतनी काफी है या और लगवा दें? नहीं नहीं अंकल जी, बस इतनी काफी है। थैंक यू। क्या बात है, तुम इसको ढूंढ रहे हो क्या? अब अंकल जी, पता नहीं अबीर कहाँ चला गया। ओह माय गॉड, ये इतनी स्पार्किंग क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? ये तो आग लगी हुई है भाई साहब। अंकुर बेटा पानी लेके आ जल्दी। आओ जी, पानी नहीं डाल रहा। टिटू, फेस से चालो निकाल बाहर। भैया साहब देखो आग लग रही है। कोई नहीं आ जाएगा, कोई, मैं देख रहा हूँ। अरे भाटिया जी क्या कर रहे हो? टिटू जल्दी कर, जल्दी कर, आग तो बढ़ती जा रही है। मैं ही कुछ करती। संभाल के। अरे फेस स्विच ऑफ करो, पीटो जल्दी कर। हे भगवान, ये कंबल डालो, कुछ तो करो इस। नहीं, नहीं। आप कुछ तो करिए ना। हाँ करूँ मैं, कर तो रहा है, वो तो करने वाला है। आगे तो जाके देखो तो। भाटिया जी, ये आप घर को सजा रहे हो या बर्बाद कर रहे हो? पूरे घर में आग लग सकती थी। अरे खुशी के मौके पर मातम मनाना पड़ता, जब काम आता नहीं है काम करते क्यों? बिजली बाबू,
अगर घर इस हालत में रहा ना तो आग कभी भी लग सकती है। क्या ये क्या उलझुल बक रहे हैं आप? गलती होगी तो मान लीजिए ना। बाऊजी अगर गलती होती ना तो कान पकड़ के 10 बार माफी मांग लेता। आप एक मिनट आओ, इस दीवार को देखो और फिर मुझे बताओ कि आप ऐसे घर में रहते हो। इस दीवार में जान ही नहीं है, इसमें सीमेंट कम और पानी ज्यादा है। टच करके देखो, देखो आओ। इसे हमारी भाषा में चिंदी चोरी कहते हैं और उन लोगों की भाषा में बचत।